दूसरे कोई जंगली पेड़ होवे तो ये अपना सुगंध उसे भी भर देता है, चंदन अपना सुगंध उसके अंदर भी भर देता है। आप अगर नीम का पेड़ काटो तो आपको श्रीगंध का ही वास आएगा, आप बबुल का पेड़ काटो उस जंगल में जो बीच में पैदा हो गए हैं तो आपको श्रीगंध का ही वास आएगा। आप देखोगे गर्मी के समय में, जबकि उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और रेत तपने लगता है, तो ऐसे समय में जो सांप होते हैं उनके अंदर विष बाधा बढ़ जाती है, अंदर व्याकुल हो जाते हैं जमीन में गर्मी की वजह से, तो वो सब बाहर निकलते हैं और निकल करके उस चंदन के पेड़ को लपेटते हैं। हर एक पेड़ को चार चार पांच पांच बड़े बड़े सांप लपेटे पड़े होते हैं, तो वो चंदन क्या करता, उनको शीतलता देता है, ठंडी पहुंचाता है, उसके सुगंध में उसके ठंडी शीतलता देता है वो, उसके वजह से वहां पड़े होते हैं। अगर हमें कोई चंदन का पेड़ काटना हुए तो पहले सांप को मारना पड़ता है, मैं तो नजदीक भी आने नहीं देते हो तो कहते हैं कि ओ श्रीगंध का पेड़। तो कहते हैं कि ऐसे ही उसके समागम में जो दूसरे पेड़ हैं वो उसे अपने जैसा ही बना देता है। तो कहते हैं ऐसे ही साधु संतों का जो समागम है वो कभी खाली जाता नहीं। जी कबीर संगत साधे की नित प्रति की जे जाए, कबीर संगत साधे की नित प्रति की जे जाए, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति जगाए, देसी सुमति जगाए। तो वही कबीर साहब जी सारा देते हैं कि कबीर संगत साध के नित्य प्रति कीजे जाए, कि साधु संतों का समागम रोज रोज करते रहो। अब हमें शंका हो सकती है कहाँ साधु संत रोज रोज मिलेंगे हम तो गांव देश में रहते हैं, साधु संत तो वहां कहां रोज रोज मिलेंगे। लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई रोज रोज करो, अगर वो नहीं है तो उनके कुछ वाक्य जो भी आपके पास डीवीडी सीडी में है उसको लगाओ, और जब सत्संग लगाओ सारा कारोबार ठप कर दो और स्थिर हो के प्रेम प्यार से सब काम वाम ठप करके उसी ख्याल से माने उसी के ध्यान में बैठ के आप सत्संग सुनो कि जो गुरु हमें कह रहा है, महाराज हमें कह रहे हैं। ये नहीं कि भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं किसे कह रहे हैं, अपने पे लगाना चाहिए सत्संग और उसके अनुसार अपनी रहनी बनाना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुन करके इस कान से सुन के इस कान से निकाल देंगे चाहे कितना बरस भी सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करें कोई फायदा नहीं। सत्संग सुन के उस पे मनन करना चाहिए, मनन करके उस पे अमल करना चाहिए, उस पे चलना चाहिए। आप उसके अनुसार अपनी रहनी बनाओगे तो आपके अंदर परिवर्तन आना ही आना है, रुपये में रुपया। सत्संग बड़ी ऊंची चीज है, इंसान को बदल देता है, एक नर को एक मानव को महात्मा बना देता है, एक नर को नारायण बना देता है। सत्संग बहुत ऊंचा है लेकिन उस पे अमल करे तो, नहीं तो हम जहां के तहां पड़े रह जाते हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों हम सत्संग के ऊपर अमल नहीं करते हैं? क्योंकि हमने देखा जब पहले पहल हमको सत्संग मिला बॉम्बे में, हम जुबली मिल बॉम्बे मिल में काम करते थे, उस समय हमारी छोटी उम्र थी 20 साल की 21 साल की, हम मिल में काम मिला हुआ था जुबली मिल सीढ़ी में, पेंटिंग मशीन के ऊपर कलर बना के देते थे, जो साड़ी प्रिंट होती है उसका कलर बनाते बना के मशीन पे देने तो हम उसमें काम करते थे। ऐसे ही अकस्मात हम
समुद्र की तरफ गए थे और आने के समय उस गली में आ गए जहां पे बोर्ड था राधा स्वामी सत्संग और 7 से 8 टाइम लिखा हुआ था। मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा सत्संग बोल रहे हैं, उसके पहले मैं दुर्गा की आराधना करता था। पहले तो हनुमान का भक्त था मैं, 12 साल हनुमान की भक्ति किया। बाद में बंबई गया तो कोई एक गुरु मिल गया, उसने ओमकार जाप दुर्गा सप्तशती का एक पाठ सोमवार उपवास करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, ओमकार का जाप करना बता दिया। अब भाई जो गुरु जो बतावे वो पकड़ते थे, तो उसने बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से बड़ी है ये, उसकी माँ है, उसको पैदा किया माया, ये बड़ी है, जो बड़ा हुआ उसको पकड़ना अपना धर्म है। मैंने दुर्गा को पकड़ अब दुर्गा का पूजा चालू कर दिया, सोमवार उपवास रह के भी मिल में काम करता था। तो 2 साल किया, लेकिन जो भी कुछ करते थे श्रद्धा से करते थे, रात दिन उसी का ध्यान, ना किसी से बात ना किसी चीज। तो इस तरह 2 साल उसी ध्यान में रहने से दुर्गा के वाक्य सिद्धि आ गई। जो बोले होने लगा। तो बाद में एक दिन ऐसे ही समुद्र के किनारे से आ रहे थे तो ये बोर्ड देखा, राधा स्वामी सत्संग 7 से 8 टाइम लिखा था। तो हम बोला राधा स्वामी, बोला तो क्या राधा कृष्ण के बारे में होएगा? या तो कोई जैन मत वाले आके कुछ सत्संग करते होंगे, सत्संग लिखा है, हमें क्या पता सत्संग क्या चीज है। तो वो हम आए, नहा वहा के गए, फिर जाके बैठा उधर आधा घंटा पहले। अब वहां महाराज जी तो थे नहीं, महाराज बेंगलोर में थे आश्रम में, सोमनाथ महाराज जी का सत्संग, तो मैंने टेप के ऊपर ही सुना। ये सत्संग का एक एक वाक्य मैंने सुना और वो मेरे दिल में लगते गए, पहला ही सत्संग टेप के ऊपर, और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता है। बस एक ही सत्संग सुन के आके मैं दुर्गा को नमस्कार किया कि माता मेरा तेरा कर्जा पूरा हो गया, मुझे सत्संग मिल गया तेरी कृपा से, और सत्संग पकड़ लिया। रोज सत्संग में ड्यूटी 8 घंटे मिल के ड्यूटी करके आना, स्नान करना, सीधा सत्संग में जाके बैठना, सत्संग सुनना और सत्संग सुन के घर में आना, ना किसी से बात ना किसी से चीज, बस रात दिन सत्संग के ख्याल में रहना, सवेरे उठना, स्नान करना, मिल में जाने के समय वही सत्संग, मिल में काम करते समय वही सत्संग, रात दिन सत्संग का ही ख्याल, किसी से बातचीत नहीं करता था मैं। इस तरह से 1.5 महीना रात दिन सत्संग के ख्याल में रहने से विरह पैदा हो गए। जहां देखते वहां बाबा जी नजर आने लगे। जब बाबा जी को मैंने देखा नहीं था, बाबा जी लकड़ी ले खड़े रहते थे, जो साड़ी गिनती थी प्रिंटिंग होके उस पे बाबा जी नजर आने लगे, जो फिनिशिंग मशीन में कपड़ा सूख के आता था सब पे बाबा जी नजर आने लगे, जिस आदमी को देखता था बाबा जी नजर आने लगे, मुझे विरह पैदा हो गई। और एक दिन एक बरस जैसे बीतने लगा, वही मुझे बैराग पैदा हुआ। मैंने एक प्रेमी से एड्रेस लिया, पता लेके नौकरी को राजीनामा भी नहीं दिया, पेमेंट लिया पैसा और निकल गया बेंगलुरु को, पैंट शर्ट के ऊपर निकल गया और वहां जाके बाबा जी की सेवा में रात दिन सेवा में रह गए। कहते हैं कि इस तरह से बहुत कठिन सेवा थी वहां पे, 111 एकड़ जमीन था। हम तो सोचे बाबा जी शायद पीला कपड़ा वाले होंगे, हमें भी सन्यासी उन्यासी बनाएंगे, लेकिन बाबा जी सफेद कपड़े वाले संत महात्मा। और वहां 111 एकड़ जमीन था, वहां पे खेती करवाते थे और सुबह शाम सत्संग होता था, 3 बजे सवेरे बेल होता था, सवेरे उठ के ध्यान बैठना पड़ता था 3 बजे सवेरे। तो इस तरह से हमको नाइट ड्यूटी दिया बाबा जी ने, क्योंकि नाइट ड्यूटी में कोई टिकता नहीं था आश्रम में, 111 एकड़ का चक्कर लगाना पड़ता था, और उसमें चंदन के पेड़ थे कुछ, बेंगलुरु और मैसूर में ज्यादा होते हैं, तो वो तमिल वाले लोग चोरी चोरी से काट के लेके जाते थे। तमिल वाले
तो हमको नाइट ड्यूटी लगा दिया, तो मैं पैरा करता था, घूमता था, वहां सोता ही नहीं था, खाना ही रात को छोड़ दिए। तो सोचा चलो बाबा जी ने हमें सुमरण करने का टाइम दिया है, हमने दुखी नहीं हुआ, नाम सुमरण करते हुए घूमते रहने का, रात भर चक्कर लगाते रहने का। रात दिन सुमरण करने से, क्योंकि बहुत सारे सांप थे उधर, बाबा जी ने वो पहाड़ी को तोड़ के लेवल बना के जमीन बनाई थी बुलडोजर से, सांप सब बाहर आ गए थे। रात में कितने सांप दिखाई देते थे, बाबा जी ने पैंट दिया था और गम बूट दिया था रबर का, उसमें पैंट डाल के चलते थे, आवाज आता दब 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 आवाज आए तो बाजू में आते, बहुत सांप रहते थे, लेकिन ऐसे ही घूमते थे। तो इस तरह से रात भर नाइट ड्यूटी करना सुमरण करते हुए, तो कहते वहीं पे दया हुई। डेढ़ साल के अंदर रात दिन सुमरण करने से 1.5 साल बाबा जी को देखते देखते रू चढ़ाई करने लगे, सत्संग सुनते सुनते विरह चालू हो जाए, रू चढ़ाई करने लगे। तो कहते भाई सुमरण बड़ी ऊंची चीज है जो संत देते हैं, लेकिन सुमरण करना पड़ता है, मन नहीं चाहता है सुमरण लगना, तो मन को जबरदस्ती सुमरण से जोड़ना पड़ता है थोड़ा दिन। तो थोड़े दिन के बाद में मन को सुमरण की आदत हो जाती है, फिर मन ही सुमरण चालू कर देता है, जाप अजपा बन जाता है, लेकिन पहले तो मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सार शब्द चिन्हे बिना फिर भटका खाए, फिर वो सार शब्द प्रकट होता है, अनहद शब्द के बाद सार शब्द, पार ब्रह्म का शब्द जिसको सार शब्द कहते हैं। कि इस तरह से गुरु की कृपा 1.5 साल में मिली रात दिन सेवा करके। तो कहने का मतलब है कि भाई साधु संतों का समागम कभी निष्फल नहीं जाता है, लेकिन हमें भी उसी भावना से सेवा करनी चाहिए, गुरु की याद में, नाम की याद में। कहते कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे के कर्म हमारे पल्ले में जमा होते जाते हैं, बुरे कर्म, और उसका भी हमें हिसाब चुकाना पड़ता है। इसीलिए तो गुरु नानक ने कहा है ना, निंदा भली किसी की नाए, मनमुख मुग्ध करन, मोह काले दिन निंदका नरके घोर परम। कहते भाई निंदा किसी की भी अच्छी नहीं, चाहे कितना बुरा आदमी हो, वो अपना शत्रु ही हो, जो करता वो भरेगा। आप क्यों उसकी निंदा करके उसके बुरे कर्म अपने पल्ले में जम ले रहे हो, आपके पल्ले में आ जाता है और उसको भी हिसाब चुकाना पड़ता है। तो कहते इससे हमें एक भक्त को बचना चाहिए, हमें कभी दूसरे के बारे में, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। कबीर साहब ने भी कहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। सारी बुराई अपने अंदर है, जब हमारे अंदर बुराई नहीं होती तो हम दूसरे की बुराई क्यों देखते। एक महात्मा को सब महात्मा ही नजर आते हैं, और एक बुरे इंसान को सब बुरा ही नजर आता है, एक चोर को सब चोरी नजर आते हैं। तो ये अपने अपने ख्याल के ये है। अभी हम ब्लू कलर का ग्लास लगाएंगे, हमें ब्लू कलर ही बाहर नजर आएगा, लाल कलर का ग्लास चश्मे में लगाएंगे तो लाल ही नजर आएगा, हालांकि बाहर लाल ब्लू तो है नहीं, जैसा कि तैसा ही है हमारा ग्लास। तो कहते अपना ख्याल, हमें अपने आप को बदलना है, अपनी तरफ देखना है, अपने कमियों को दूर करना है। संत मत अपने आप को बदलने का रास्ता है, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। कहते हमें अपने बारे में, अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम भले तो सब भले, पहले अपने आप की बल, अपने आत्मा। कहते हैं आत्मघाती महापापी, जो अपने आत्मा को छोड़ के दूसरे के बारे में सोचे, अपना आत्मा का घात हो रहा है। जो 84 में जाके दुखी हो रही है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, हमें दूसरे की चिंता पड़ी है। महात्मा कहते पहले अपनी तो चिंता करो, आप भला तो सब भला, आप मुक्त हो जाओ दूसरे को भी मुक्त करो। तो कहते भाई ऐसे तो वही सारा देते हैं कबीर साहब जी।
गुरमति दूर भावसी देसी सुमति हाँ कि साधु संतों के समागम में वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो दुर्मति है उसको दूर करते हैं, सुमति पैदा करते हैं, अच्छे ख्यालात पैदा करते हैं, मालिक का प्रेम और प्यार पैदा करते हैं। वो कहते हैं भाई ये मानव शरीर बड़ा कीमती हीरा है, परमात्मा ने इसे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है, भव सागर से पार होने के लिए दिया है, ये बड़ा कीमती हीरा है, ये चांस फिर बार बार नहीं मिलना है, इसका फायदा उठाओ, नाम से प्रेम प्यार कर लो, गुरु से प्रेम प्यार कर लो, दुनिया में रहो, ये आपका लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाना है, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो करते हो करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, दुनिया झूठी है। ये सोच लो, रहना नहीं देश बिगाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें जाना है, ये काल और माया की नगरी है, ये मृतलोक है, हमारा देश तो सतलोक सचखंड है, हमें वहां जाना है, और उस देश की आशा लगा के इस देश की ड्यूटी बजाओ, इस देश की आशा लगा के बजाओगे धोखा खाओगे, जहां आशा तहां वासा, जहां हमारा मोह होगा, जहां हमारा प्रेम प्यार होगा, वहां हमें फिर आना ही पड़ेगा। क्या चीज है मैं बार बार दुनिया में लेके आती है, दुनिया का मोह, दुनिया की आशा, दुनिया का प्रेम प्यार। इसीलिए महात्मा कहते हैं आस एक सतनाम की, दूजी आस निराश। आशा अगर करनी है सतनाम की आशा करो, गुरु की आशा करो, गुरु से प्रेम प्यार करो। तो कहते हैं कि इसी जन्म में मुक्ति, फिर आगे आपको इस भव सागर में पैदा होने की जरूरत ही नहीं है, फिर सीधा अगर गुरु के चरणों से प्रेम प्यार है, मालिक के नाम से प्रेम प्यार है, आप मालिक में जाके समाओगे, अगर दुनिया दुनिया की वस्तु से प्रेम प्यार है तो दुनिया में आ जाओगे, जहां आशा तहां वासा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप अपने मन से पूछ लो, मन ही जवाब देगा कि मन कहां से जुड़ा है। तो वही इशारा देते हैं भाई, इस तरह से महात्मा क्या करते हैं, हमारे दुर्मति को दूर करके हमारे अंदर सुमति पैदा करते हैं, मालिक का प्रेम और प्यार पैदा करते हैं। वही लल कबीर संगत साधे की नित प्रति कीजे जाए, कबीर संगत साधे की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दूर भावसी देसी सुमति जगाए, देसी सुमति जगाए।